मैं आज तक चुप रहा, लेकिन आज बोलूंगा। हेडफोन ना लगाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो सबके सब हेडफोन लगाए उसके बाद जाके वीडियो देखे। व्यूअर्स के हित में जारी। तो तुम सभी को पता होगा कल से फ्री फायर कम्युनिटी में बस एक ही चीज चल रही है, गैन गेमिंग और श्रेय वाईटी। गैन गेमिंग और श्रेय वाईटी। तो ये स्टार्ट कैसा? तो श्रेय वाईटी ने कल एक वीडियो अपलोड किया था, ये वाले वीडियो, इसमें उसने बोला था कि उसका चैनल डिलीट होने वाला है क्योंकि उसका चैनल में 2 कॉपीराइट स्ट्राइक और 1 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई है। ठीक है। और श्रेय और साथ ही साथ बहुत सारे व्यूअर्स का ये कहना है कि ये स्ट्राइक गैन गेमिंग ने दिया है, जो कि कल गैन गेमिंग लाइव स्ट्रीम में आके लाइव कंफर्म कर दी कि वो उसने नहीं दिया, लेकिन इस तरफ से बोला जा रहा है तुमने दिया है और दूसरे साइड से बोला जा रहा है मैंने नहीं दिया। और आखिर हम लोग बिलीव करें तो करें किसके ऊपर? इनको क्या ही पता है कौन सच है कौन गलत है, किसी को नहीं पता। क्योंकि इस कॉन्ट्रोवर्सी के बाद पूरा का पूरा फ्री फायर कम्युनिटी हिल चुका है, बहुत ही ज़्यादा बवाल बन चुके, बवाल मच चुके पूरा फ्री फायर कम्युनिटी में। तो गाइस मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को बहुत सारा डीएम्स आने लग गया, भाई तू कुछ कर, मतलब कुछ भी यार। मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं फ्री फायर का मैनेजर हूँ, मैं फ्री फायर का मालिक हूँ, मैं फ्री फायर का मॉड हूँ, मैं फ्री फायर का जो इंडियन का मॉड है उसमें से कोई मेंबर हूँ, मैं फ्री फायर का जो भी इंडियन ऑफिसर है उसमें से कुछ हूँ, मैं कोई बड़ा यूट्यूबर हूँ, मैं कोई मिलियंस वाला यूट्यूबर हूँ, कुछ नहीं हूँ ना। मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ भाई, इतना डीएम्स करो भाई। मैं बता देता हूँ यार, एक्चुअल में ना ये ना सबके सब माइंड गेम थी जो तुम लोगों के साथ खेला गया है। कौन सच है कौन गलत है मैं पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो बिना कोई बकचोदी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे गैन गेमिंग की। तो कल गैन गेमिंग लाइव स्ट्रीम की, उसको डिफेंड करते, खुद को डिफेंड करते कि जो नजरूम कुछ गांडू बोले कुछ नाम है जो सबको स्ट्राइक दे रहा है, श्रेय गेमिंग को भी दिया है, श्रेय वाईटी को भी दिया है, गैन गेमिंग को भी इसके दिया, उसको दिया लर्न लेसन जो भी बोल रहा है ना उसमें, उसने बहुत इमोशनल हो गया। तो स्ट्रीम में उसमें वो लाइव प्रूफ दिखाता, तो लाइव प्रूफ में क्या दिखाया, मैं थोड़ा बहुत फुटेज तुम लोग को दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इसके ऊपर अच्छे से मारता हूँ। देख लो आप, ओके, दो कॉपीराइट किसको मारा, मेरे को मारा 2 कॉपीराइट, देख रहे हो कितने तारीख को है, ये देख लो आप, 14 सितंबर 17 अक्टूबर। मैंने बोला आप लोगों को कभी ये बंदे ने कॉपीराइट दिया मुझे कोई? यार मुझे एक बात समझ नहीं आती कि नजरुल हसन है कौन, ये कौन सा रंडे, कौन सा भोसरे वाला, कौन सा बहन का लड़का, कौन सी माँ की चूत है यार। मैं गाली देने का मन नहीं कर रहा साला, ये हम लोग को फ्री फायर कम्युनिटी में पूरा का पूरा बवाल मचा रखा है, सबको स्ट्राइक देते फिट है। ये क्या फ्री फायर का चचा है, फ्री फायर का औलाद है, फ्री फायर का नाजायज संतान है, फ्री फायर का नाजायज लड़की है, या लड़का लड़की गांड गांडू लौड़ा लसन क्या है, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बस अपना 2 कौड़ी का स्ट्राइक लेकर सबके गांड में घुस जा रहा है। गांड मारने का तुम सबको पता है इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है, फ्री फायर कम्युनिटी की। फ्री फायर का जो इंडियन मैनेजर है ना, फ्री फायर का जो इंडिया में जो लोग मॉड्स बैठे हैं, जो लोग स्ट्राइक देने का हक रखते हैं उनको, क्योंकि गेम किसका है, फ्री फायर का गरीना का गेम है, गरीना अभी मैनेज कर रहा, अभी गरीना का गेम हम लोग पकड़ लेते हैं, अभी मालिक कौन है नहीं है वो हम लोग को पता नहीं, बट गरीना का गेम है, ठीक है। स्ट्राइक देने का हक किसको है, कोई भी यूट्यूबर को स्ट्राइक देने का हक किसको है, गरीना को, फ्री फायर को? ये कैसे दे रहे बहन का लड़ाई, कैसे दे रहे हमको समझ ही नहीं आ रहा। गैन गेमिंग को भी स्ट्राइक दिया, गैन गेमिंग जैसे बोला लाइव प्रूफ दिखा रहा है, अभी सच है कितना झूठ हमको अभी पता नहीं है। और साथ ही में श्रेय वाईटी को भी इसने कैसे स्ट्राइक दे दिया। तो गरीना का दल्ले सबके सब सुनो यार, तुम लोग क्या करो, पहले अपना सस्ता नशा बंद करो और गरीना के सर्वर के ऊपर जो फ्री फायर का जो यूट्यूबर है उनके ऊपर मतलब ध्यान लगाओ, क्योंकि एक यूट्यूबर चल गया ना श्रेय वाईटी पर, गैन गेमिंग चल गया ना, 4-5, 4 मिलियन 1 मिलियन बहुत बड़ा तुम्हारा नुकसान होने वाला है, हम लोग का कुछ नहीं जाने वाला है, गेम तुम लोग का प्रॉफिट तुम लोग का इससे हो रहा है, बहुत सारा ढेर सारा टॉपअप इवेंट लड़ो, ये लड़ो लौड़ा लसन रंडी रोना सब कुछ कर रहे हो, बट यार गेम को मतलब गेम का जो लोग मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्री फायर को इंडिया में उन लोगों को थोड़ा भी देख लो, थोड़ा बहुत देख लो भाई। तो हमको समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे स्ट्राइक दे कैसे रहा यार। इस नजरुल इस्लाम के गांड में सारे यूट्यूबर्स का लंड बहुत सारे के माँ चुदाओ, इससे बड़ा बोका चुदा पता है मैं दुनिया में एक नहीं देखा, बोका चुदा ओके बोका चुदा सबसे बड़ा बोका चुदा नजरुल हसन, गांड ना खुला माँ चुद देंगे तुम्हारी। तो अभी बात करते हैं श्रेय वाईटी की। तो श्रेय वाईटी बहुत कुछ रंडी रोना कर लिया, मैं बहुत अच्छे से बोलूंगा सोचा, लेकिन यार अच्छे से बोल के फायदा नहीं, जितना कम बुरा हो सके उतना कम बोलूंगा। श्रेय वाईटी क्या किया, कल ये वाली वीडियो अपलोड की, उसमें उसका 1 मिलियन व्यूज आ गया, फिर भी उसने पूरा वीडियो में रोया, ठीक है मैं रोना मानता हूं कि उसका रोया, उसका चैनल चल गया, 1 साल तक मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, उसके बाद इंस्टाग्राम में पोस्ट करने की क्या जरूरत है, अगर मेरे को चैनल वापस नहीं आया, मेरा चैनल चल गया तो मैं सुसाइड कर लूंगा, गधे हो बहुत सारी के तुम, जो तुम्हारा मम्मी पापा इतना दिनों से इतना सालों से तुमको पाल के पाल पोस के पढ़ा लिखा के जो भी यूट्यूब में जो भी करो ना फोन वोन दिला के सब कुछ करा के तुमको इतना बड़ा किया, उनका कुछ नहीं, बस तुम्हारा चैनल चल गया, तुम अपना गान मरा लोगे बहुत सारे की, सुनो
पहले अपने मम्मी पापा को देखो, एक चैनल चल जाएगा ना दूसरा चैनल आ जाएगा, तुम्हारा दूसरा चैनल में तो अभी सब्सक्राइबर गया, मैं उसका दूसरा चैनल में कल देखा उसका 50 के से नीचे सब्सक्राइबर था, आज कितना होगा 327, यहाँ पे देखो 3 लाख, एक दिन में 250 के सब्सक्राइबर बढ़ गया, फिर भी चैनल डिलीट करने का बात बोल लो भाई, तुम लोग के साथ चूतिया खेला जा, तुम लोग का बस चूतिया काटा जा रहा है, मैं बता रहा हूँ इसको अगर चैनल डिलीट करना था ना इतना सिंपथी गेन नहीं करता, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, इसमें बहुत बंदा के मुझे गाली दोगे, मुझे पता है यार सच बोलने के लिए गाली मिलती है फ्री फायर कम्युनिटी में, बाहर कोई सच बोलोगे ना उसको लाखों सब्सक्राइबर व्यूज लाइक सब्सक्राइब सब मिलेगा, लेकिन इस फ्री फायर कम्युनिटी में नहीं मिलेगा भाई, मैं तुमको सच बता रहा हूँ, अगर वो पूरा वीडियो में रोते रोते बोला ना 1.1 मिलियन जिसमें व्यूज आया कल, उसमें बोला ना कि वो चैनल डिलीट कर देगा इसके बाद वापस नहीं आएगा तो दूसरा चैनल क्यों खोला, ये जो कल सिंपथी गेन के इसको उसका मेन चैनल का वीडियो ट्रेंडिंग में चल गया दूसरा चैनल में, एक दिन में 250 के 2.5 लाख सब्सक्राइबर बढ़ गया, फिर भी इसका रनडी होना कब कम नहीं हो रहा, इतना कुछ किया उतना किया, तुम्हारा तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे ना भाई, 1 मिलियन थे एक चैनल में 3 लाख हो गया, और एक दो महीना मेहनत करो तो फिर से उसको जो सेकंड चैनल है उसमें भी 1 मिलियन हो जाएंगे, फिर इतना डंडी रोना क्यों, तुम लोग गाइस तुम लोग भी मैं बता रहा हूँ यार, तुम लोग बिना देखे समझे अपना दिमाग बिना चलाए किसी को भी बिलीव मत करो यार, मेरे को सारे यूट्यूबर बोलने लगे ये हो गया वो हो गया, भाई कोई इसमें सच नहीं है, कोई जो भी दोनों है ना कोई भी सच नहीं बोला, सब में थोड़ा ना थोड़ा घोटाला है ही है यार, लॉजिकली सोचो यार लॉजिकली सोचो, मैं बता रहा हूँ गैन गेमिंग जो दिखाया उसका मैं मान रहा हूँ यार, दूसरा ईमेल भी हो सकता है, पूरा ईमेल खोल के दिखाया ना व्हाट्सएप नंबर में मुझे हम लोग को दिखाया ठीक है, और श्री वाई टी क्या किया कि अपना सेकंड चैनल बना लिया, बोला उस जिस वीडियो में वो रोते रोते बोला कि मैं आई क्विट, उसमें उसने अपना सेकंड चैनल का भी प्रमोशन कर लिया, उसके एक दिन में 2.5 लाख सब्सक्राइबर कभी नहीं होता अगर ये सिंपथी नहीं करता, आई क्विट वाला रंडी रोना नहीं करता तो उसका कभी नहीं होता, होता तुम लोग लॉजिकली बताओ, तो दोनों का फायदा हो गया ना, तुम लोग चूतियों का तरह सपोर्ट कर जाओ सपोर्ट कर जाओ घंटा रंडी रोना लौड़ा लसन सब कुछ करते गए, अब समझ लो अब तुम लोग को जो अभी तुम लोग के ऊपर भाई, तुम लोग अपना दिमाग लगाओ, बात बाकी मैं कुछ नहीं बोल सकता, बाकी तुम लोग समझदार हो अपना दिमाग लगाओगे, अब अगर दिमाग लगाओगे तो समझ आ जाएगी, बाकी यही तक वीडियो थी, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी रहेगा गाइस, अगर तुम लोगों को सच्चाई पता चली यार वीडियो को एक लाइक मार देना, अपने तरफ से लाइक मार देना, हम लोग का चैनल का भी रीच बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है क्योंकि तुम लोग को पता मैं इवेंट्स अपडेट्स का वीडियो छोड़ दिया हूँ, छोड़ के अभी रोस्टिंग या फिर एक्सपोज टाइप का वीडियो डालने लगे हूँ, फ्री फायर कम्युनिटी में जो गलत चले उसके बाद तुम सभी के लिए सब कर रहा हूँ कि जो भी गलत चला तुम लोग को बता देता हूँ ताकि तुम लोग सुधर जाओ, तुम लोग चूतिया ना बन जाओ, तो इसके लिए सबके साथ वीडियो को लाइक मार देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक शेयर मार देना, और अभी के लिए बाय गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।